अच्छा 2020 जा रहे हो? अच्छा अच्छा तुम्हारे जाने का समय हो गया है, अब जा ही रहे हो तो जाते जाते वो भी लेके जाना जो पिछले एक साल से तुमने हम लोगों के लगाए हैं। लूडो जी, 2019 में 31 दिसंबर की रात को 12 बजे हम तुम्हारे इंतजार के लिए ऐसे खड़े थे जैसे तुम कोई साल ना हो, वो बगल के मोहल्ले में रहने वाली सालू हो। लेकिन उसके बाद जो तुमने पलटी मारी है ना, ऐसी पलटी मारी जैसे किसी को कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च खिला दी गई। जनवरी फरवरी और मार्च का आधा किलो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो इंग्लिश की क्लास शुरू हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, डीजल, पेट्रोल, वायरस, वैक्सीन जैसे अंग्रेजी के शब्द हमारी नानी भी भोजपुरी में बोलने लगी थी। लॉकडाउन हुआ, वायरस, साला अपने ही घर में हम ऐसे बंद हो गए थे जैसे 3 महीने की सजा तिहाड़ जेल में काट रहे हूँ। लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो ऐसे लगा जैसे मोदी जी ने जमानत दे के बाहर निकाला है। 2020 में जापान में ओलंपिक के खेलों का आयोजन होना था, लेकिन तुमने कोरोना वायरस के साथ मिलकर ऐसा खेला कि लोग अपने घरों में बैठे बैठे पत्ते खेल रहे थे। अगर पत्तों के खेलों को ओलंपिक के खेलों में शामिल कर लिया जाए ना, तो फिर हमारे पापा गोल्ड, हम सिल्वर, हमारी मम्मी ब्रॉन्ज मेडल लेके आएंगे। जो बच्चे कॉलेज में जाके स्टडी कर रहे थे, उनकी स्टडी अधूरी रह गई। जो मास्टर छोटे छोटे बच्चों को ABCD सिखा रहे थे ना, उनके घर वाले उनको दादा दादी, चाचा चाची, पापा पापी, मतलब कि पापा मम्मी सिखाने लगे। हमारी मम्मी जिस दूध वाले को रोज कहती थी दूध में पानी डालते हो, उसको लॉकडाउन में एक भी शब्द नहीं कहा कि दूध में पानी डालते हो या पूरा पानी ला के देते हो। कम से कम लॉकडाउन में दूध घर ला के तो देता था। जिंदगी में दूसरों से हमने इतना हाथ नहीं मिलाया जितना सैनिटाइजर डाल के खुद से हाथ मिलाया हमने। सर ऐसा लग रहा है कि हमने हाथ इतने घिस दिए कि हमारी उंगलियों की हाइट कम हो गई। समोसे की दुकानें बंद थी, गोलगप्पे की दुकानें बंद थी लॉकडाउन में, तो हमने सोचा कि घर में समोसा बनाते हैं। ऐसा समोसा बना जैसे समोसे के अंदर से हमने आत्मा निकाली हो, केवल आलू था, बाहर से समोसे का शरीर नहीं था। स्कूल में हमने कभी मार नहीं खाई, 2020 में लॉकडाउन में चौराहे में डंडे से मार खाई है लॉकडाउन में थोड़ा सा बाहर निकलने के कारण। तुम जा रहे हो, जाओ, 2021 में ये बोल के मत लौटना कि कच्चा भूल गए थे, बनियान भूल गए थे, अब जा रहे हो तो चले जाओ। हम तो कह रहे हैं 31 दिसंबर को किस लिए, आज ही निकल लो, हम लोग कल से ही 2021 लिखना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी याद नहीं आएगी तुमको? याद किस लिए आएगी याद? मूली के ऊपर रंग चढ़ा के जिंदगी का गाजर बना देने के लिए आएगी याद? नाक और मुंह के बीच में मास्क रूपी पुल बना देने के लिए आएगी तुम्हारी याद? हमारा वो पड़ोसी जिसके घर में हम ऐसे करके पहुंच जाते थे, उसका घर भी हमें लगता था कि अमेरिका में है लॉकडाउन के समय पे, इसलिए आएगी तुम्हारी याद। साला 2020 में इतनी बार वीडियो कॉलिंग में बात की है, इतनी बार वीडियो कॉलिंग में बात की कि मोबाइल भी सोचता हुआ कि कुर्सी लगा देते हैं, अंदर घुस के बात कर लो। जिन माता पिता के 2020 में बच्चे हुए, हम तो उनको कह रहे हैं कि अपने बच्चों को बताना मत कि 2020 में पैदा हुए तुम, नहीं तो बड़े होकर जब वो जानेंगे कि 2020 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ, तब बोलेंगे कि पापा मम्मी 2020 में प्रैक्टिकल नहीं करना था, 2021 में कर लेते प्रैक्टिकल, चाहे हमें 2021 में पैदा करते स्कूल भेज देते। ये कंबल हमारा है, कंबल छोड़ के जाओ, लौटना मत दोबारा।